भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक दिन में कोविड 19 केसों में 10.7% का उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटे में 37,389 नए कोविड 19 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 3,49,60,261 पहुंच गई। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 1,71,830 हो गई है। कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 11,007 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। अब तक कुल 3,43,06,414 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 124 लोगों की मौतें हुई हैं। तक कोरोना की वजह से 4,82,017। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में काफी तेजी आ गई है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। आंकड़ों पर गौर करेंगे तो ऐसा ही लग रहा है कि दूसरी लहर से भी तेज गति से इस बार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है, यही रफ्तार रही तो आंकड़े फिर से पुराने स्तर पर भी पहुंच सकते हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में 572 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कोविड के बढ़ते केस के मद्देनजर यूपी में सख्ती बढ़ सकती है। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल समेत वीकेंड कर्फ्यू पर भी निर्णय लिया जा सकता है। स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। शाम 6:30 बजे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये बैठक की जाएगी। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के सर्वाधिक 568 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी के एक आश्रम के स्कूल के 28 छात्र और 2 स्टाफ सदस्यों सहित 30 व्यक्ति कोविड 19 से संक्रमित पाए गए। ठाणे नगर निगम ने ये जानकारी दी है। देश में ओमिक्रॉन वेरियंट के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 568 मामले सामने आ चुके हैं और इसके बाद दिल्ली में 382, केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 152 और तमिलनाडु में 121 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यूज एजेंसियों से बात करते हुए कहा कि राज्य में अभी तक लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। मैंने अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर टेस्टिंग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए और आइसोलेशन में चले गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके दी। इसके साथ ही उन्होंने संपर्क में आने वाले लोगों से अपील की है कि खुद को आइसोलेट कर लें और टेस्ट करवाएं। वहीं इसी हफ्ते से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कोविड 19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर सोमवार को कहा कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 8 से 16 जनवरी तक अवकाश घोषित किया जाएगा। वहीं गोवा की कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शेखर सालकर ने कहा कि कोविड टास्क फोर्स की बैठक के बाद कक्षा 8 और 9 के लिए 26 जनवरी तक स्कूलों में भौतिक उपस्थिति बंद करने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों को केवल टीकाकरण के लिए ही आना होगा। कॉलेज भी 26 जनवरी तक बंद रहेंगे।